राजधानी देहरादून में भाजपा की जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने बताया कि उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान पर बीते कुछ समय से वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसको लेकर भाजपा के सभी जिला पंचायत सदस्य प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें समझा बुझाकर दो दिन का आश्वासन दिया है, जिसके बाद पंचायत सदस्यों ने प्रदर्शन रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए पंचायत सदस्य पवन पवार ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि सरकार में बड़ा मैनेजमेंट किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।